मैं मानती हूँ कि मेरे और मिष्टि के बीच बहुत कुछ हुआ है, हमारी नहीं बनती थी, लेकिन हम दोनों ही अबीर से बहुत प्यार करती हैं। राजश्री जी, मैंने मिष्टि से कहा कि हम अबीर को लेके सीधे हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। अब देखिए ना, अबीर अबीर की तबीयत बिगड़ गई तो ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मिष्टि को कुछ नहीं पता, अचानक भाई की तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई? किसी को कुछ भी नहीं पता कुमार। भाई की हालत जिसकी भी वजह से हुई है ना, आई प्रॉमिस मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब चलो, अभी डॉक्टर के पास चलते, जल्दी चलो। कुहु, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे, ओके? हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं। मैं तुमसे सीक्रेट क्यों रखूंगी कुणाल? पता नहीं टेंशन में मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अगर मिष्टि के फैसले से आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बात करूंगी मिष्टि से, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर मिष्टि ने ऐसा किया है तो जरूर अबीर के फायदे के लिए ही किया होगा। ये आप सही कह रही हैं बड़ी माँ, मिष्टि ने भाई के बारे में सोच के ही ऐसा किया था। उसने मुझे कहा था कि घर की तरफ गाड़ी मोड़ लो, बट माँ आप टेंशन मत लीजिए, अभी मिष्टि आती है तो उससे आराम से बात करेंगे। मिष्टि बेटा, हमें पूरी बात बताओ। कर सकता है ऐसा? ये तो मुझे भी नहीं पता माँ, लेकिन मैं ये पता लगा के रहूंगी कि अबीर के साथ ऐसा किसने किया। थैंक गॉड बिल्कुल भी बुखार नहीं है। अगर बुखार नहीं है तो बापूजी अबीर आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? तुम्हें चिंता नहीं करो, मैं डॉक्टर साहब को अभी फोन लगाता हूँ। मामा जी, मैं डॉक्टर से मिनट पे बात कर रही हूँ, ये देखिए उनका मैसेज आया है। अबीर को आधे घंटे में होश नहीं आया तो बात सीरियस हो सकती है, बात सीरियस हो सकती है बापूजी। माँ अब शांत हो जाइए, अबीर ठीक हो जाएगा। मीनू, मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने खुद कहा अबीर को एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ ज्यादा आराम से है। माँ, आई विश आपने मेरी शिकायत बड़ी माँ से नहीं की होती। शिकायत? क्या एक माँ अपना दर्द दूसरी माँ के साथ नहीं बांट सकती? वो शिकायत नहीं थी। क्या मैं राजश्री जी के साथ बात भी नहीं कर सकती? नहीं माँ, माँ माँ आई एम सॉरी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माँ माम वेरी सॉरी, मैं तो बस अपनी गलती बता रही थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती की है तो आप मुझे सीखने का एक मौका दीजिए। हाँ, मैं इस घर में नहीं हूँ, मैं इस घर को वैसे तो नहीं चला सकती ना जैसे आप चलाती आई हैं, लेकिन जब तक आप मुझे अपनी मेरी गलती नहीं बताएंगी तब तक मैं सीखूंगी कैसे? माँ आप मुझे एक मौका दीजिए ना सीखने का, प्लीज। ठीक है मिष्टि, अगली बार से मुझे जब भी ऐसा लगा मैं सबसे पहले तुमसे बात करूंगी। थैंक यू माँ, थैंक। अभी ठीक हो जाएगा माँ, उसे कुछ नहीं होगा, उसे होश आ जाएगा। गुहू तो अबीर को देखने आने वाली थी, वो तो मुझे अवॉइड करने के लिए अबीर से भी नहीं मिलेगी। जुगनू भैया जी, आपने कुहू को देखा? अभी थोड़ी देर पहले यही थी कुणाल भैया के साथ। ओके थैंक यू, मैं आता हूं। मैं जानती हूँ ये सब तूने किया है, और फिर जब दी मामी और कुणाल पारुल मासी को ब्लेम कर रहे थे तो तूने भी आग में घी डाल दिया। पर तू कब तक मुझे अवॉइड करेगी? मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं मिष्टि माँ
थोड़ी देर पहले तुमने ही मुझसे कहा था ना कि अगर मुझे कोई भी बात बुरी लगे, गलत लगे तो मैं तुमसे बात करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि पारुल अबीर के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। पारुल और मेरा इतने वर्षों का साथ है, मेरी परछाई है वो, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। गलती किसी और की है और उस गलती तक ना पहुंचना ये अबीर की गलती है। मिष्टी, मिष्टी तुम समझ नहीं सकती कि माँ होने के नाते मुझ पर क्या बीत रही है। मैं बहुत घबरा गई हूँ, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ मिष्टी कि ये गलती किसने किया है। पर बिना अबीर को नाराज किए पारुल की सीक्रेट रेसिपी कोल्ड कॉफी कुहू जानने के लिए वो दोनों रसोड़े में गई। मैंने अपनी स्लिपिंग पिल्स की बॉटल बाहर पड़ी देखी तो वो बॉटल लेकर मैं रसोड़े में गई और मैंने पारुल को दे दी। पारुल ने वो बॉटल वहीं रख दी और पारुल तुरंत बाहर निकल गई, लेकिन मेरी वो स्लिपिंग पिल्स की दवाई की बॉटल वो रसोड़े में ही थी। मिष्टी, मैं बस यही कहने आई हूँ कि पारुल ऐसा कभी नहीं करेगी। जी माँ, तेरी बात सुनने के लिए थैंक्स। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है मिष्टी, अब कुहू तुम्हारे निशाने पे है। कुहू, पारुल मासी कुणाल की माँ है। कुहू, वहां कुणाल खड़ा खड़ा अपनी माँ को ब्लेम कर रहा था और तू चुपचाप खड़ी रही। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और अब तो मुझे अवॉइड करने के लिए घर से भाग रही है। मिष्टी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था तेरी गलती के लिए वहाँ किसी और को ब्लेम किया जा रहा था और तू चुपचाप खड़ी रही। तुझे ये नहीं पता था कि उनका क्या हाल होगा। तू पागल हो गई है क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतना क्यों जलती है मुझसे तू? तू तो कभी कभी रेस में जीतने के लिए चीटिंग करती थी, लेकिन आज दिस इज द लिमिट कुहू। तूने अपनी गलती को छुपाने के लिए अबीर को हार्म किया और अब पारुल मासी को। ये सब जो कुछ भी हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। अपनी गलती के लिए मुझे ब्लेम करना बंद कर। आज जो तूने किया ना वो तुझे सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा। मिष्टी रुक, मिष्टी रुक, मिष्टी रुक। अब तू ये सब करने लगी? I'm sorry, मैं तुझे गिराना नहीं चाहती थी, पर तूने सोचा, तूने सोचा कि तू घर में जाके सबको सच बता देगी तो कितना बड़ा ड्रामा? क्या तूने सोचा था कि कितना बड़ा ड्रामा होगा जब तूने मुझे मेरे शादी वाले दिन थप्पड़ मारा था, अपने डिवोर्स के लिए मुझे ब्लेम किया था? खुद तूने अबीर को ड्रग किया, अपने ब्रो को। तू ऐसा कैसे कर सकती है कुहू? तूने वो किया जो कुणाल ने तेरे भाई के साथ किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ किया। तेरे ब्रो के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगा कि वो कॉफी तू पिएगी, अबीर ब्रो नहीं। ये पे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।